हेलो दोस्तों, कैसे हो? गैजेट्स रिव्यू में आपका स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा नेक्स्ट पावरफुल स्मार्टफोन इज कमिंग। सैमसंग S23 अल्ट्रा के बाद अब S24 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है, तो वो कुछ ज्यादा ही प्रीमियम भी होने वाला है। वो S23 मेरे पास पहले से था, तो क्या नाचो मैं? अब लॉन्च होने वाला S24, तो देखते आज करते उसके बारे में बात। S23 अल्ट्रा को लॉन्च हुआ अभी एक साल भी नहीं हुआ कि अपडेट आया कि S24 अल्ट्रा आने वाला है। उसकी कुछ लीक्स निकल कर आई है, तो इसमें आपको मिलने वाला है टाइटेनियम की फ्रेम, जिससे आपका फोन वजन में हल्का तो रहने का पर उसका जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम हो जाएगा। टाइटेनियम की फ्रेम होगी तो S24 प्राइस में काफी ज्यादा महंगा होने वाला कंपेयर टू S23 अल्ट्रा। सैमसंग वालों को पता है कि आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में फुल टाइटेनियम फ्रेम आने वाली है, इसलिए सैमसंग ने S24 में भी टाइटेनियम की बॉडी फ्रेम पूरा मेटल टाइटेनियम का किया हुआ है। S24 के अंदर कैमरा मॉड्यूल वही होने वाला है पर कुछ चेंजेस उसमें मिल जाएंगे, जैसे कि आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था वही कैमरा इसमें भी मिल जाएगा, 10x का ऑप्टिकल जूम था वो भी उसमें मिल जाएगा, पर हाँ S24 के अंदर आपको 3x जूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा उसका कैमरा क्वालिटी होने वाला है और कैमरा पिक्सल भी इम्प्रूव होने वाला है, जिससे कैमरा जूम क्वालिटी S23 अल्ट्रा से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, S23 अल्ट्रा जो कि ये फोन है उसमें 45 वाट का चार्जर सपोर्ट करता था, पर S24 के अंदर 65 वाट का चार्जर सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ, ध्यान से सुनो, सपोर्ट मिलने वाला है, फ्री नहीं। 1 या 2 लाख के फोन के अंदर आपको चार्जर भी नहीं देती है सब कंपनी। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। इसमें डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करूँ तो मुझे S23 अल्ट्रा के अंदर विक्टर्स 2 फोर्डिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिल रहा था, जबकि S24 अल्ट्रा के अंदर विक्टर्स 3 का सपोर्ट मिलने वाला है, जो काफी बढ़िया होने वाला है, जिससे आपकी डिस्प्ले क्वालिटी और मजबूत जो होने वाला है वो काफी बढ़िया हो जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एडवांस प्रोसेसर आने वाला है जो कि काफी नया है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो एप्पल के अपकमिंग लेटेस्ट चिपसेट जो बायोनिक A16 था उसको भी बीट कर सकता है, इतना पावरफुल ये प्रोसेसर आने वाला है। इंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। बैटरी के अंदर बात करें तो उसमें 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो कि 3 nanometer के प्रोसेसर के वजह से आपको उसकी बैटरी लाइफ ज्यादा हो जाएगी, जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिलने वाली है क्योंकि उसका प्रोसेसर 3 nanometer का है। लॉन्च की बात करें तो S24 अल्ट्रा अगले साल की फेब्रुआरी में लॉन्च होने वाला है, S23 अल्ट्रा के एक साल जो लॉन्च हुआ था उसके एक साल बाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताओ कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो। थैंक यू, और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।